करनी है वो हम लोगों ने करनी है सर्कल के ऊपर आप लोग की तरह। एक तो वो हम लोग की ट्रेनिंग है जो हम लोग फोन के साथ करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को बेशुमार मैंने बताई है। आज वो आपकी एक्सरसाइज होंगी जो हम लोग बगैर फोन के करते हैं। बेसिकली जो सर्कल में आपके साथ वाले खिलाड़ी होते हैं ना, वो मैच के अंदर आपके ऑपोजिशन खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। आपको मैं बताया जितनी भी आप लोग ट्रेनिंग यहाँ पे आप लोग करते हो ना, जितनी भी ट्रेनिंग आप लोग करते हो, ये बेसिकली आपकी मैच प्रैक्टिस होगी उसकी। मैं आपको उससे बताता हूँ कि आज आप लोग हम लोगों ने ये ड्रिल की है, लेकिन एंड पे आप लोग देखते हो खेलते हुए आप लोग बाद में मुझे ये कहते हो कि यार ये चीज़ हम लोगों की गेम के दौरान भी आई है। तो उसका मकसद यही होता है कि आप लोग जो ट्रेनिंग करते हो ना, ट्रेनिंग को हमेशा आप लोगों ने मैच समझ के करना। जब आप ट्रेनिंग को मैच समझ के करोगे ना, तो मैच आपके लिए हमेशा ट्रेनिंग बन जाएगा, ठीक है ना। आज जो हम लोग ट्रेनिंग करेंगे ना, जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इसको बेसिकली सर्कल की एक्सरसाइज भी बोलते हैं, टेक्निकल सर्कल भी बोलते हैं, टैक्टिकल सर्कल भी बोलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको टेक्निकल सर्कल बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों की सबसे मेन चीज़ यूज़ होती है टेक्निक, ठीक है ना। सर्कल के ऊपर सर्कल बना के हम लोगों की 5 से 6 एक्सरसाइज होती हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे ना, मैक्सिमम 2 या 3 एक्सरसाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जितनी कम एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे ना, उसको बोलते हैं जिग जैग रनिंग। सिंपल रनिंग होती है, इसको क्या आप देखो, हम लोग एथलेटिक्स तो है नहीं है ना कि हम लोगों ने एथलेटिक्स, हम लोग हैं फुटबॉलर। फुटबॉलर की 90% जो गेम के अंदर रनिंग होती है ना, वो स्ट्रेट में होती है, हमेशा आपने एंगल्स में रनिंग करनी होती है, चाहे आप डिफेंडर हो, चाहे आप मिडफील्डर हो, चाहे आप फॉरवर्ड हो, या आपने अपने प्लेयर को डॉज करना होता है, वो भी ज्यादा बात है स्ट्रेट रनिंग नहीं होगी, ठीक है ना। जिग जैग रनिंग और स्ट्रेट रनिंग में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस चीज़ का, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? जिग जैग से मुराद लेफ्ट राइट करके मुख्तलिफ चीज़ों से। और अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस चीज़ का, एक सिंपल सा बेसिक सा हम लोगों का डिफरेंस। बोलना बोलना शर्माना नहीं है, आपने खुल के बोलना, ये कोई आपका पेपर थोड़ा हो रहा है, खुल के बोलना है। क्या आप सही बात बताओ, क्या गलत भी कहो, लेकिन आपको बॉडी कंट्रोल होता है, बोल इसी बात की। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज होती है, सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रेट रनिंग बहुत ईजी होती है, जिग जैग रनिंग डिफरेंट होती है। अगर स्ट्रेट रनिंग में आप 100 मीटर 15 सेकंड में करते हो ना, तो जिग जैग रनिंग में आप 100 मीटर कम अज़ कम 30-35 सेकंड, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने अपने साथ एक तो सीधा भागना, दूसरी बात अपने जब जिग जैग रनिंग करोगे तो आपकी पूरी बॉडी को, ठीक है, पहली आप लोगों को ये भी पता होती है कि जहाँ पे मैं मूव करना चाहूँ, क्या मेरी बॉडी भी उस तरह मूव करी या नहीं करी। आप जब शूट करते हो ना, अक्सर आप लोगों की शूट आगे पीछे क्यों होती हैं, वो ये होता है कि आपकी टांग इस तरफ से जा रही होती है इस फ्लो में, और आपकी बॉडी उस फ्लो में जा रही होती है। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जिस फ्लो में आपकी टांग जा रही हो, आपकी बॉडी की पोजिशन भी सही हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग सर्कल में करेंगे, सबसे पहली सर्कल की जो टेक्निकल सर्कल होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को सीखना होती है कि हमें सर्कल बनाना, सबसे पहली। Thank you.